Hi everybody, good morning, welcome back. So after a very very long time we are coming for cycling. मैं देवी को लेके आई हूँ. छुट्टी जब से हुई है तब से उसको उठने का ही नाम नहीं है, मतलब उठना ही नहीं है उसको. आज वो लकीली उड़ गया जल्दी और आज स्टार का मराठी पेपर है, वो जा चुकी है. मैंने बोला चलो इसको लेके आती हूँ. धूप अच्छी खासी आ गई है 8 बजे, इट्स जस्ट 8 o'clock एंड कैन यू सी द सन, दिस साइड सन आ चुकी है. थोड़ा और लेट आती ना 9:30 बजे तक तो उधर तक धूप आ चुकी होती. सो इसीलिए थोड़ा सा सुबह सुबह की धूप खाना भी अच्छी है, इट्स नॉट बैड. देवी को कैप पहना के लेके आई हूँ, साइकिलिंग भी हो रही है और साथ में उसको कैप की आदत भी डलवाना है, बिकॉज यू नो दैट डे फेलिसिटेशन डे में जेवियर वॉज नॉट वेयरिंग हिज कैप. ही वॉज लिटरली द मोमेंट यू पुट द कैप, जो फेलिसिटेशन का कैप था निकाल निकाल के फेंक रहा था. सो यस, थोड़ी सी साइकिलिंग भी हो जाएगी. आई विल ट्राई एंड ब्रिंग हिम एवरी डे. देयर आर स्मॉल किड्स ऑल्सो ड्राइविंग. ओके, बच्चे सुबह सुबह आ गए. हाय देवी, लुक क्या? देवी को बहुत सारी साइकिलिंग करा ली, मतलब काफी साइकिलिंग कराई मैंने. अभी क्या टाइम है? 9 बजे है ना. हम तो बहुत, मतलब 8:20 तक आ गए थे, तब से अभी तक चला ही रहा है देवी. डिड यू डू साइकिलिंग? देवेन इज अ गुड बॉय. सो आज उसको थोड़ी बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करवाई है क्योंकि आज वो उड़ गया थैंकफुली. अभी थोड़ा सा zigzag करवाऊंगी उसको ताकि उसका फोकस रहे. बाकी कंटिन्यूस लाइक बहुत ज़्यादा एनर्जी है उसमें, मतलब रात तक एनर्जेटिक रहता है वो. तो स्टॉप सिंगिंग. सो यस, अभी थोड़ा क्लाइमेट इज बेटर राइट नाउ. थोड़ा और लेट आती तो बहुत ज़्यादा धूप होती. वैसे भी उस तरफ धूप आ ही चुकी है. स्टार्टेड विद कम बैक बाई 11:30 और कल उसकी छुट्टी है. कल शायद गुड़ी पाड़वा की छुट्टी, आई हैव नो आइडिया. गुड़ी पाड़वा की छुट्टी है, उसके बाद फिर थर्सडे को ईद की छुट्टी है. तो लाइक इट्स नॉट बैक टू बैक एग्जाम्स. बैक टू बैक एग्जाम होता तो ख़त्म हो जाता जल्दी. सम चाइल्ड इज शाउटिंग फ्रॉम दैट साइड, वन बॉय शाउटिंग. हाँ, साइकिल चला के बहुत दुखी हो गया. इसके बाल भी कटवाने हैं पर अभी नहीं कटवाऊँगी, थोड़ा टाइम थोड़ा और बढ़ जाए फिर कटाऊँगी. सो एनीवेज गाइज, आप लोगों को एक बात तो बतानी थी कि हम लोग का टिकट हो चुका है बहरीन जाने का. यस, समर वेकेशन हम लोग वहीं पे मनाएंगे, बट कब हो चुका है ये बात पे बताऊंगी मैं. लास्ट मोमेंट में ही बताऊंगी कब जाने वाले हैं हम लोग. आप लोगों को ये तो पता होगा स्टार का एग्ज़ाम 18 को ख़त्म हो रहा है. बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स जो है मतलब बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, CBSE और स्टेट बोर्ड्स वगैरह के. स्टार के ट्यूशन के बच्चे भी उनके एग्जाम्स स्टार के बाद शुरू हुए और मतलब 10-12 तारीख तक तो ख़त्म हो रहे हैं. बट स्टार का तो इतना खिंच खिंच के, एनीवे सब्जेक्ट्स भी उसके ज़्यादा है. तो 18 को उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं, तो उसके बाद ही हम लोग फिर, हमारा टिकट्स आ चुका है. जब एग्ज़ाम हो जाएगा ना फिर बताऊँगी कब हम लोग जाने वाले. बट एनीवेज थोड़ा टाइम के बाद ही जा रहे हैं, बताती हूँ मैं. Zavian, what are you eating? Sandwich. Is this your lunch or breakfast? Lunch. Oh no, this is your? Lunch. No, this is? Dessert. This is breakfast. Breakfast. This is? Breakfast. Okay, eat. There is sambar. First finish. हाँ, सब गिराने वाला वो. इसके पैकिंग स्टाइल से ऐसा लग रहा है कि सब गिर गया. Keep it down. तो जेवी के रूटीन में अनदर थिंग जो इम्पॉर्टेंट होता है वो थोड़ा सा घर में टास्क वगैरह कराना, थोड़ा सा एक्टिविटी वगैरह कराना. तो मैं और स्टार मिलके उसको थोड़ा सा एक्टिविटी वगैरह कराते. स्टार स्कूल से जस्ट आई थी तो वो भी थोड़ा रेस्ट ले रही थी, तो हम लोग दोनों मिलके कुछ ना कुछ उसको कराते रहते हैं. घर में मेरे बहुत सारे एक्टिविटीज़ की चीज़ें होती है, तो ये जैसे उसको स्टिक से ये डालना रहता है, ये कोन्स जो है ना ये इसके अंदर डालना रहता है. साथ में उसको और भी मैंने बॉल थ्रोइंग वगैरह का एक्टिविटी कराया था, तब मैंने वीडियो नहीं लिया था. यहाँ पे जेवी को वॉल पे बॉल थ्रोइंग कराते हैं तो 100 थ्रोइंग या 50 थ्रोइंग करने बोलते हैं, तो थोड़ा सा एक्टिव रहता तो अच्छा रहता, वरना दिन भर घर बैठे बैठे हॉलीडे में कुछ नहीं होता. बहुत
बहुत लेज़ी हो जाते हैं और कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी कराना बहुत ज़रूरी होता है जेबी से। वही देखो ना, मुझे नहीं पता यहाँ कहीं देखो। देवियन बहुत टायर्ड हो चुका है, इरिटेट हो चुका है, काफ़ी सारे टास्क कर चुका है, तो इसलिए अभी उसको थोड़ा चक्कर देंगे अल्फेनली पे। वैसे तो उसको चॉकलेट नहीं देना चाहिए बट वो लॉलीपॉप उसको बहुत पसंद है तो मैं उसको अल्फेनली पे दे रही हूँ। जेवी ने खाना खा लिया है, जेवी ने अभी खेलने में लगा हुआ है। स्टार अब जाके खाना खाने वाली है बिकॉज वो थोड़ा पढ़ रही थी, तो उसने उसको लंच मैंने अभी दिया हुआ है। मैंने और जेवी ने तो खा लिया ऑलरेडी। चालू उसका देवी, इफ यू क्लोज आईज ना मम्मा विल गिव यू आटी। तो स्कूल जाने के टाइम तो वो आफ्टरनून में ही नहा लेता था, नहा के स्कूल जाया करता था, पर हॉलीडे में शाम को उसको नहलाते हैं बिकॉज क्योंकि दिन भर टायर्ड स्वेट और ये होते हुए शाम होते होते जो है ना नहा धो के अच्छा फ्रेश हो जाता है, तो आराम से नहा धो के उसको पूरा रेडी कर लेते हैं, वो पूरा फ्रेश हो जाता है और उसके बाद बैठ के वो अपना फ़ोन या कुछ देखता है। लंच वगैरह खाने के बाद भी उसका रिलैक्सिंग टाइम ही रहता है तो फ़ोन वगैरह देखता है, इन्जॉय करता है। उसके बाद उसका फेवरेट रहता है कुछ ना कुछ ड्राइंग करता है, तो ये स्टार उसको कुछ ना कुछ फ़ोन पर दिखा रही थी वीडियो और उसको देखते हुए ड्राइंग और कलरिंग भी कर रहा था। बहुत अच्छे से कलरिंग किया इस बार फॉर अ चेंज, अदरवाइज उसका कलरिंग बहुत ही मैसी रहता है। ड्राइंग तो अच्छे से कर लेता है पर कलरिंग बहुत मैसी मैसी करता है। बाकी तो उसका टाइम पास ऐसे ही चलता है, कुछ ना कुछ ड्राइंग, कलरिंग, पजल मेकिंग, वही उसका फेवरेट एक्टिविटी रहता है। तो जेवी की छुट्टी तो बहुत पहले से ही हो चुकी थी और स्टार के एग्जाम्स खत्म होने का वेट कर रहे हैं और हम लोग बहरीन जाने वाले हैं, ये आप लोग सभी जानते हैं, वरना जेवी को डेफिनेटली मैं कोई समर कैंप वगैरह में डाल देती कि थोड़ा बहुत एक्टिव रहे। यहाँ पर शाम को कुछ ना कुछ राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है तो आजकल एवरीडे बैठ के उसको कॉपी राइटिंग दे देती हूँ, कोई ना कोई बुक से ऐसे लॉन्ग शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह होगा ना तो वो दे देती हूँ, तो थोड़ा 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 वो कॉपी राइटिंग करके सीख रहा है। तो और कभी हिंदी, कभी कुछ ऐसा कुछ कुछ उसको करवाते रहते। लास्टली फाइनली डिनर वगैरह करते हैं और उसके बाद फिर वो बैठ के अपना फेवरेट पजल करेगा या ड्राइंग करेगा, यही उसका फुल डे एक्टिविटी रहता है। तो यही है जेवियन का फुल डे हॉलीडे रूटीन, कुछ लोगों ने मांगा था तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। TUVWXYNZ. Now I know my ABCs. Next one I want you to sing with me. तो ये जेवियन का करंट फेवरेट न्यू पज़ल जो आजकल वो एवरीडे लेके खेलता रहता है, ए बी सी डी वाला, तो और एवरीडे उसका ना चेंज होता रहता है, तो अब ये नया मंगाया तो इसी के साथ खेलता रहता है। तो ये था जेवियन का रूटीन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। स्टार के रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक और जेवियन का रूटीन देख के आपको थोड़ा सा चेंज लगा होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक एंड फॉलो फॉर मोर फॉर सच वीडियोज़।